कितने भी पैसे बचा लो पर ये घूमने की उम्र वापस नहीं आएगी। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। तो स्वागत है यार आपका एक नई वीडियो में। तो गाइस, आज जो दिन जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है मैंगलोरगंज से। तो रात को हम यार यहाँ मैंगलोरगंज पे आ गए थे, तो हमारी जो बस थी यार वो एक घंटा लेट हो गई थी, तो जिसके कारण मैं रात को वीडियो बना नहीं पाया। रात को हम बहुत लेट थे, कुछ हम यहाँ 12:15 के आसपास पहुँचे थे। तो टैक्सी लेके यहाँ पे सीधा आ गए थे होटल में। तो अभी मैंने सोचा यार आपको होटल का रूम दिखा दूँ, क्योंकि रूम जो पड़ा है मेरे को पड़ा है 1200 रुपये में, और 1200 रुपये में बहुत ही अच्छा रूम मिला है। तो अगर आप भी आना चाहते तो यार ज़रूर आओ, बहुत ही अच्छा हॉस्टल है। हॉस्टल का नाम है द हॉस्टलर। तो इनके यार यहाँ पे दो हॉस्टल हैं, द हॉस्टलर एक है माल रोड पे और द हॉस्टलर एक है अपना बागसुना वाटरफॉल के पास। तो पहले दिन हमने माल रोड पे रुके हैं क्योंकि माल रोड सबसे पास पड़ता है। तो कल जो है हम वहाँ रुकेंगे बागसुना वाटरफॉल के पास। तो अभी आपको रूम दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा है। तो ये रहा यार कुछ रूम का स्टार्ट, आप देख सकते हो इधर चेयर लगी हुई काम करने के लिए, टेबल लगी हुई, अपने शूज इधर पड़े, बैग इधर पड़ा है, ड्रॉर मिला है, अपनी वॉच पड़ी है, रूम की की पड़ी है यार, इधर वाटर बॉटल उन्होंने दी थी। बाकी कुछ ऐसा है व्यू। और ये रहा अपना बेड। बेड की बात करें तो यार बेड भी बहुत बड़ा है, किंग साइज बेड है। तो आराम से यार अगर आप फैमिली भी हो, फैमिली भी सो सकते हो, दो लोग एक बच्चा आराम से सो सकता है। तो साथ में दिए उन्होंने कैटल, साथ में कुछ दूध और चाय सब प्रोवाइड करवाई, आप बना सकते हो। कैटल आपके पास है तो अगर आप कुछ सामान रखना चाहते हो अलमीरा में तो अलमीरा भी दी गई है। तो बाकी यार ये इधर कुछ, इधर भी ड्रॉअर दिया गया हुआ है रेडी होने के लिए, इधर भी दिया गया क्योंकि मैं करने जा रहा हूँ ब्रश। तो अभी मॉर्निंग हुई है, दो टॉवल प्रोवाइड किए और टॉवल भी बहुत सुंदर, देखो ग्रे कलर के हैं वो बिल्कुल अच्छे ही है। तो बात करें वॉशरूम की, वॉशरूम भी बहुत क्लीन है, ये देख सकते हो टूटी है। इधर रेड ग्रीन का साइन बना हुआ है, रेड वाली साइड आप इसको लेफ्ट साइड घुमा दोगे, रेड वाली साइड तो आपका गर्म पानी आ जाएगा, राइट साइड घुमा दोगे तो ठंडा पानी आ जाएगा। इधर है जी हैंड वॉश, टूथब्रश होल्डर दिया हुआ है, गीजर चल रहा है और गर्म पानी भी आ रहा है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। इधर है नहाने के लिए, तो इधर आप हल्का सा इसे करना है स्लाइड, इधर आप नहा सकते हो, इधर शावर लगा हुआ है, इधर आप नहा सकते हो। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है यार, बात करें तो LED मिली है, LED वर्किंग कंडीशन में, बॉक्स लगा हुआ है, चार्जर है वर्किंग कंडीशन में, और सबसे मेन बात भाई ये देखो बालकनी व्यू है इधर और उधर सीधा हिमालय पे। तो हिमालय व्यू है, बाहर से कुछ ऐसे भी है, यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ, अच्छा व्यू है। अभी यार ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करके रेडी होके निकलते हैं, अपने फ्रेंड का रूम जो है वो सेकंड फ्लोर पे है तो उनको जाके मिलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट कुछ करना है। फाइनली यार रेडी हो चुके हैं, तो ये है कुछ अपनी आज की लुक। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, ये कोई शक नहीं, चेक नहीं, आज की लुक। अभी हम आ चुके हैं रूफ टॉप पे ब्रेकफास्ट के लिए, तो रूफ टॉप आप देख सकते हैं बहुत ही नाइस यार, इनसाइड भी बैठ सकते हैं, कुछ लोग वहाँ पे बैठे हैं जो लैपटॉप से काम करते हैं, जो आपको पता है वर्केशन बोर्ड पे होते हैं, जो साथ साथ काम भी करते हैं, और देखो कुछ बैठे हैं लोग साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ घूमते हैं। तो ये सब यहाँ पे वॉशरूम है और इधर है कैफे। फिर बात करें वाइब्स की, यहाँ पे बहुत ही अच्छी वाइब्स है, इधर है अपने फ्रेंड और इधर आ डीन, और कुछ ऐसा व्यू है यार, सब कुछ वापस आ सकता है, ये समय वापस नहीं आएगा, ये उम्र वापस नहीं आएगी, ये यादें वापस नहीं आएगी, और आप तरसेंगे इन चीजों के लिए। तो हाँ जी गाइज, यार अभी मैंने शेक किया था ऑर्डर, तो अपना शेक फाइनली आ चुका है। तो मैंने मंगवाया था यार लाते चॉकलेट शेक, और साथ में मैडम ने भी मंगाया था शेक, और डीन ने मंगाई थी यार अपनी ब्लैक कॉफ़ी। तो इन्होंने साथ में यार खाया था ब्रेड आमलेट, मैंने नहीं खाया, उसका रीज़न था क्योंकि अभी चल रहे यार नवरात्रे, तो नवरात्रों में हम एग खा नहीं सकते, तो मैंने यार ओनली शेक पिया, मैंने सोचा चलो मार्केट से खा लेंगे, और उसके बाद हमने देखी ये पैराग्लाइडिंग की लास्ट राइड। आज की वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।